नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि क्राइम जर्नलिस्ट न्यूज। रवि क्राइम जर्नलिस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लुधियाना के खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में पेंटिंग कंपटीशन आयोजित करवाया गया। आयोजित पेंटिंग कंपटीशन के दौरान बीए और एमए की 100 से ज्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया। लुधियाना से रवि क्राइम पत्रकार की रिपोर्ट। मैं जसविंदर कौर, हैड ऑफ द डिपार्टमेंट खालसा कॉलेज तो बोल रही हूँ। साढ़े डिपार्टमेंट के एक पेंटिंग कंपटीशन करवाया गया है, जिस विच 100 तो वध बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने सोशल इवेंट्स टॉपिक्स उत्ते कंपटीशन साडा करवाया गया है, जिदे विच बच्चों ने वक् वक् माध्यमों काम किया है। बहुत सोहना काम किया है और जिन्हों के प्रिंसिपल मैम ने बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट किया है। मैडम, इस कंपटीशन का मेन मोटिव की सीगा? साढ़े मेन बच्चों का असी अवेयर करना चाहते हाँ कि प्लास्टिक जिदा कि अजक यूज़ हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा खबर भी आ रही ने, सोशल मीडिया से भी वक् वक् तरीके लोगों को समझाया जा रहा है कि यदा यूज़ ना करो, यदा यूज़ बंद करो। ये साडा प्लास्टिक असी नो प्लास्टिक टॉपिक बच्चों को दिता है। उस तो इलावा ड्रग्स के उत्ते है, जिमें कि नशे के बच्चे साड़ी सारी जवानी पंजाब की गरकी हुई है, गरक चुकी है, खराब हो चुके बच्चे और उन्होंने जिंदगियां, उन्होंने घर के घर तबाह हो गए हुए ने। वो चीज़ में असी चुकया है, उस टॉपिक में असी लिया है। तो बाकी जिमें पानी खत्म हो रहा है धरती दे विच और वो पानी ही मतलब कि जिंदगी है, जीवन है। बच्चों को यह समझाया गया कि वाटर का सही इस्तेमाल, सेव वाटर किदा तुसी बचाना पानी नू अगली जनरेशन के लिए अपने वास्ते। तो असी ये चीज़ा एक तरह सोसाइटी के अगे रखना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते सोसाइटी को, तो बच्चे उस पॉइंट ऑफ व्यू तो पेंटिंग्स तैयार करते हैं।